है, इसमें जो सर हमारे दिस पास रिएक्शन, जी सब्स्टिट्यूट राइट, सॉरी, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन राइट। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो, वन ब्रोमो ब्यूटेन से पी बना है, तो पी हाइड्रोजन साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड को रिएक्ट करा है, तो इसमें से साइनाइड आयन निकलेगा, और ये जब इसमें लगेगा तो दिस वुड बी पेंटेन नाइट्राइड। इसका नाम एक और तरीके से हम ये कह सकते हैं, अगर मैं साइनाइड नाम में लेके आना चाह रहा हूँ तो दिस इज ब्यूटेन साइनाइड। अच्छा, इसने हमें कहा है कि आपने इसका डिस्प्लेट फॉर्मूला बनाना है पी का। डिस्प्लेट फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें आप सारे बॉन्ड्स शो करते हो। तो डिस्प्लेट फॉर्मूला जब हम बनाएंगे तो डिस्प्लेट फॉर्मूला बेसिकली क्या बनेगा, 1 2 3 4, ब्रोमीन की जगह आपने सी एन लगाया है, तो सी एन में कार्बन नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं, तो ये भी शो करना है, और बाकी सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी आपको शो करना है। अगर इनमें से कोई एक बॉन्ड भी आपने शो नहीं करा तो आपको वो जो एक मार्क मिल रहा है ना, वो नहीं मिलेगा। तो ये हमारे पास पी बन गया, ठीक है, ये हमारा आंसर है जो हमें बनाना है। नेक्स्ट कह रहा है, आइडेंटिफाई रीजेंट्स एंड कंडीशंस फॉर रिएक्शन वन एंड रिएक्शन टू। अच्छा, इस नाइट्राइल से हाइड्रोलिसिस, पी की जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे ना, नाइट्राइल्स की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। इससे हमारे पास क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, मतलब ये जो नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। बाकी सब कुछ वैसा ही है, देखो इसमें दिस इज CH3, CH2, CH2, CH2 जो है वो 3 बार आ गया है, और फिर ये COOH। सही, तो रिएक्शन वन में हमने हाइड्रोलिसिस किया, और हाइड्रोलिसिस हम कैसे करते हैं, हम लोग हीट करते हैं एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो हाइड्रोलिसिस हम कैसे करेंगे, एक्वस HCl एंड हीट। सर ये रिड्यूस होगा। बेटा इसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं, जिसमें OH ऐड हो रहा है ना, तो उसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं, रिड्यूस नहीं बोलते। सही है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल करते हैं ना तो अमाइन बनता है, वो एक डिफरेंट रिएक्शन है। आगे बढ़े, रिएक्शन टू में क्या हुआ है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन से ब्यूटानीन बना है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, देखो ब्रोमो ब्यूटेन, अगर हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड होता है, जैसे यहाँ पे ब्रोमो ब्यूटेन है, तो इसके हमने दो रिएक्शंस पढ़े हैं। तो दो रिएक्शंस क्या होते हैं कि अगर हम इसमें एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड या एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, और जो हेलोजन है वो हट जाता है और उसकी जगह पे ओएच लग जाता है, मतलब ये अल्कोहल बन जाता है। लेकिन अगर अल्काइल हैलाइड में हम लोग इथेनॉलिक एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड ना लें, बल्कि इथेनॉलिक लें, मतलब अल्कोहल में डिजोल्व करके लें सोडियम हाइड्रोक्साइड को या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, ये रिएक्शन क्या आता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो हेलोजन है वो रिमूव हो जाता है, और एडजेसेंट जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है उसके एडजेसेंट कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो भी साथ में रिमूव हो जाता है, तो ये इसमें क्या होता है, ये एल्कीन बन जाता है, तो ये ब्यूटवानीन बन जाएगा। तो देखो यही हुआ है ना, रिएक्शन टू में हमारे पास ब्यूटवानीन बना है ब्रोमो ब्यूटेन से। तो इस मीन्स के हमने इसमें इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड इथेनॉल, ठीक है जी। तो कह रहे हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ रिपीट, अच्छा रिपीट यूनिट ऑफ पॉलीमर क्यूब। जो पॉलीमर क्यों बना है ब्यूटवानीन से, अब ये हमने ओ लेवल में भी देखा है, एएस में भी देखा है, एडिशन पॉलीमराइजेशन, जिसमें ब्यूटीन के मोनोमर आपस में कंबाइन होंगे टू फॉर्म अ पॉलीमर। अब ये ब्यूटवानीन है, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गए 1, तो जब हम इससे एडिशन पॉलीमराइजेशन करेंगे तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उसको इस तरह से लिख देते हैं, बाकी इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक C2H5 आ जाएगा, ये रिपीटेड यूनिट है। इस तरह के बहुत सारे मोनोमर्स जब आपस में कंबाइन होंगे तो वो पॉलीमर बना लेते हैं। क्या होता है,
है कि डबल बॉन्ड में से जो एक बॉन्ड है वो खत्म हो जाएगा और एडजेसेंट कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो वो कह रहा है कि एक रिपीट यूनिट बनाओ, तो एक रिपीट यूनिट बनाना है सिर्फ हमें, हम सारे दो नहीं बनाएंगे, मैं तो अभी सिखाने के लिए दो बता रहा हूँ ना, वरना आपको सिर्फ एक रिपीट यूनिट बनाना है। इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, राइट? चले आगे बढ़े। अच्छा, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल है जिसमें हम लोगों ने ओ लेवल में भी देखी होती है। सर, आप इसके ऊपर रोल अप कर सकते हैं, मुझे देखना है। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल में क्या होता है? हाँ देखो, एक रिपीट यूनिट में अगर हम ब्रैकेट ना भी लगाए तो चल जाएगा, रिपीट यूनिट आपको पता है क्या है, लेकिन फिर आप उसमें कार्बन का मोनोमर, अगर आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना दोगे तो वो तो फिर मोनोमर होगा ना, रिपीट यूनिट तो नहीं होगा। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं, तो या कंटिन्यूटी बॉन्ड पे जरूर दिखाना, लेकिन ठीक है, आप ब्रैकेट ना लगाओ, बेशक एन ना लगाओ, देयर इज नो नीड टू यूज एन, बट कंटिन्यूटी बॉन्ड्स पे दिखा देना ताकि पता लगे कि भाई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, राइट और लेफ्ट पे कार्बन के और बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है जावेरिया, चलें आगे बढ़े। यस सर। अच्छा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, हमें पता है कि डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम अ क्रूड ऑयल आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। फ्रैक्शंस, हैवियर फ्रैक्शंस हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट, सो दे आर कंडेंस्ड एट द बॉटम ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, एंड द लाइटर फ्रैक्शंस हैव अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट एंड दे आर कंडेंस्ड एट द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। बेसिकली द बेसिस ऑफ डिफरेंस, बेसिस ऑफ सेपरेशन इज देयर डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। सही है ना? तो हम लोग करते क्या है, पहले क्रूड ऑयल को हीट करेंगे अच्छा खासा और फिर फीट कर देंगे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। इसमें क्या होगा, ये सारे के सारे फ्रैक्शन गैस फेज में होंगे और वो ऊपर जाएंगे। जिन फ्रैक्शंस का मास कम है तो उनके पास एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो बबल कैप से टकराते हुए ऊपर निकल जाएंगे। जिनका मास ज्यादा है उनके पास एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होगी, तो क्या होगा, वो बबल कैप से टकरा के नीचे कंडेंस हो जाएंगे। जितना हैवियर फ्रैक्शन होगा वो उतनी जल्दी कंडेंस हो जाएगा, मतलब फ्रैक्शन एफ सबसे हैवीएस्ट है और फ्रैक्शन ई जो है वो फिर लोअर है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चले जाओगे। तो व्हाट हैज टू बी डन टू द क्रूड ऑयल बिफोर इट एंटर्स द कॉलम, तो उसको मतलब कॉलम में डालने से पहले वी हैव टू हीट इट कि वो सारे के सारे फ्रैक्शन गैस फेस में हो। तो हमने उसको क्या करना है, वेपराइज करना है, वेपराइज इट। व्हाट ट्रेंड इन स्ट्रक्चर इज देयर फ्रॉम फ्रैक्शन ए टू फ्रैक्शन एफ। ठीक है, फ्रैक्शन ए का जो एम आर है, मॉलिक्यूलर मास, वो सबसे कम होगा, स्मॉलेस्ट एम आर। तो फ्रैक्शन ए से एफ आओगे तो फ्रैक्शन जो होंगे वो मॉलिक्यूलर साइज या मॉलिक्यूलर मास उनका इंक्रीज होगा। तो फ्रॉम ए टू एफ मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस। State the trends in two properties from fraction A to F. So down the group, एक तो पहली बात तो हम कहेंगे कि boiling point increase होगा, ठीक है? अब इसने two properties पूछी है, लेकिन हम A to F बात करें तो fraction heavier हो रहे हैं, तो boiling point क्या होगा, increase होगा। Boiling point increase होता है flammability, मतलब इनके जलने की सलाहियत। जो lighter fraction है वो easily जल जाते हैं, heavier fraction मुश्किल से जलते हैं। तो flammability इनकी क्या होती है, decrease होती है। इनकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा डेंसर होते जाते हैं, नीचे जाते हैं, इंक्रीज होती है। विस्कोसिटी इनकी इंक्रीज होती है। अब इसने कोई दो पूछी है, आपको मैं बाकी सारी भी बता रहा हूँ ताकि याद रखना। विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है सर। ए टू एफ डेंसिटी कैसे इंक्रीज हो सकती है, अभी आपने कहा कि एफ फ्रैक्शन एफ तो हैवीएस्ट है। फ्रैक्शन एफ हैवीएस्ट है ना, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, जिसका मास ज्यादा होता है।
अच्छा जी, तो कह रहे थे नेफ्था फ्रैक्शन फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल इज यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर क्रैकिंग. राइट एन इक्वेशन फॉर द क्रैकिंग ऑफ C12H26 टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स इथीन एंड वन अदर हाइड्रोकार्बन इन अ 2:1 मोल रेशियो. देखो जो एल्केन है वो C12H26 है. क्रैकिंग जब हुई है तो वो कह रहे हैं कि वन ऑफ द फ्रैक्शन इज इथीन विच इज C2H4 एंड द अदर फ्रैक्शन जो दूसरा फ्रैक्शन है वो आपने खुद बताना है कि वो क्या होगा. लेकिन जो मोल रेशियो है ना बिटवीन इथीन एंड दैट अदर फ्रैक्शन इज 2:1, मतलब इथीन के 2 मोल्स हैं. तो मतलब ये चार कार्बन तो यही हो गए, 12 में से चार कार्बन आपने 2 मोल ऑफ इथीन बना के बना दिए, तो बाकी कितने 8 कार्बन एटम बचे ना. तो जो दूसरा फ्रैक्शन होगा वो 8 कार्बन एटम्स का होगा. और हाइड्रोजन कितने थे लेफ्ट हैंड साइड पे, 26 थे. तो राइट हैंड साइड पे इथीन के 8 तो बन गए, इथीन में 8 हो गए क्योंकि इथीन में 4 होते हैं. 2 मोल ऑफ इथीन है तो ये 8 हो गए. तो 26 में से 8 तो ये हो गए, बाकी कितने बचे 18. तो वो आया C8H18. क्लियर? यस सर. नेक्स्ट कह रहा है सजेस्ट अ यूज फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर इक्वेशंस इन वन. Explain what makes each product from one suitable for the use you suggest. अच्छा जी, इन सबके मतलब इथेन का यूज बताना है. इथेन जैसे हमारा पॉलीथीन बनाने के लिए यूज होता है. देखो ये सब हैंडआउट में लिखे हुए भी हैं, तो एक बार पढ़ भी लेना. तो इट इज यूज टू, यस इट इज यूज टू मेक पॉलीथीन. पॉलीथीन की जो शॉपर्स होती है ना, प्लास्टिक बैग्स, दोज आर पॉलीथीन. और क्यों? क्योंकि इसमें वी हैव इट हैज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच कैन अंडरगो एडिशन पॉलीमराइजेशन. सही है. इथीन का और क्या रिएक्शन है? इथीन से हम लोग इथेनॉल भी बनाते हैं, हाइड्रेशन ऑफ इथीन करते हैं ना, मतलब हाइड्रेशन. इट इज यूज्ड टू मेक इथेनॉल अच्छा एक मिनट सॉरी, इसने बोला हुआ है सजेस्ट अ यूज फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स. तो प्रोडक्ट दो है हमारे पास, इथीन है और दूसरा ऑक्टेन है. पेट्रोल और फ्यूल हो सकता है. हाँ नहीं, इसने ना दोनों प्रोडक्ट का बताने के लिए कहा है. इथीन का तो हमने बता दिया, दूसरा तो C8H18 ऑक्टेन है ना. तो ऑक्टेन जो है वो एज अ पेट्रोल, ऑक्टेन इज पेट्रोल ना, फ्यूल के तौर पे यूज होता है. ठीक है, जलता है क्योंकि वो रिलीजेस एनर्जी. दूसरा प्रोडक्ट है ऑक्टेन, बिकॉज ऑक्टेन इज यूज्ड एज अ कार फ्यूल. क्यों? बिकॉज इट इज फ्लेमेबल, जलता है. इट इज फ्लेमेबल एंड प्रोड्यूसेस एनर्जी, हीट एनर्जी. आगे बढ़े. आगे कह रहा है बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन कैन कॉज नंबर ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. द प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन कैन इंक्लूड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन. सल्फर डाइऑक्साइड इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग कोल इन पावर स्टेशन. एक्सप्लेन हाउ एंड बाय ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रोड्यूस्ड इंटरनल कंबशन इंजन. देखो ये हम लोगों ने नाइट्रोजन एंड सल्फर में ही पढ़ा है रिसेंटली अभी, कि जब हाई टेम्परेचर होता है कार कम्बशन इंजन में तो हमारे पास क्या होता है कि नाइट्रोजन, वो ये पूछ रहा है कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बन किस तरह से रही है, प्रोड्यूस किस तरह से हो रही है. सही है. तो हाई टेम्परेचर पे एट हाई
टेम्परेचर इन कार इंजन। अब देखो एयर तो हमें चाहिए ना, एयर में ऑक्सीजन है, कम्बशन के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए, लेकिन एयर में इसके साथ नाइट्रोजन भी तो होती है, तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड। सर दिस इज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड राइट? यस, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बनती है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फर्दर एयर के, एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी, तो नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स बन रही है ना। और इस काम को करने के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है भाई? इंजन में ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल, एट हाई टेम्परेचर इन कार इंजन ड्यू टू कम्बशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के लिए जो भी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो कम्बशन से आ रही है। क्योंकि नाइट्रोजन अगर रिएक्ट कर रहा है ना तो नाइट्रोजन इनर्ट होता है, लेकिन इतने हाई टेम्परेचर पे फिर वो रिएक्ट कर जाता है। नेक्स्ट कह रहा है राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इन अ कैटालिटिक कन्वर्टर। ये हमने कैटालिटिक कन्वर्टर की इक्वेशन देखी है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको बैलेंस कर लेना, नाइट्रोजन यहाँ पे एन टू है ना, तो यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन टोटल हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ टू आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी टू आएगा फिर, ठीक है जी। और ये नाइट्रोजन के साथ हम इसको हाफ कर सकते हैं? नहीं, अब हो गया, हाफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी, तो पहले हाफ कर देते नाइट्रोजन को, सारी चीजें वहीं बैलेंस हो जाती, कुछ नहीं करते एन टू के साथ हाफ लगा देते। चलो ये कह रहा है राइट इक्वेशन टू शो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, देखो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो पानी के साथ डिजोल्व होकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड डायरेक्टली पानी में डिजोल्व नहीं होती है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो पानी में डिजोल्व होती है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड निकला है तो वो पानी में डायरेक्टली डिजोल्व नहीं होता, सल्फर ट्राइऑक्साइड पानी में डिजोल्व होके एसिड, जब बारिश होगी तो उसमें वो डिजोल्व होकर सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगी H2SO4। सही है, सल्फर डाइऑक्साइड भी पानी में थोड़ा बहुत डिजोल्व होता है, सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, लेकिन सल्फर ट्राइऑक्साइड जल्दी डिजोल्व हो जाता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड निकला था पेट्रोल जला था, जब सल्फर ट्राइऑक्साइड तो नहीं निकला था ना, तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बना कैसे सल्फर डाइऑक्साइड से? तो वो बेसिकली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से बन रहा होता है। तो वो यही पूछ रहा है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कैसे इन्वॉल्व है इस सारे कामों में। तो जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हुआ है ना ऊपर देखो कार इंजन में, तो वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बेसिकली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। वो जो कैटालिटिक एक्शन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड था ना, ये पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। सही है, इसको बैलेंस करो, यहाँ पे हाफ लगा दो। अभी जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड और दोबारा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन जाती है। और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ डिजोल्व होकर सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। तो ये आपकी इस इन इक्वेशंस को हमने कैटालिटिक एक्शन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के नाम से पढ़ा था, तो याद रखना कैटालिटिक एक्शन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। डिस्क्राइब द टू ऑफ द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द एसिड रेन। तो भाई एसिड रेन होगी तो आपका क्या कहते हैं एग्रीकल्चर सॉइल जो बिल्डिंग्स डैमेज हो जाती हैं, ठीक है, जो कैल्शियम का लाइमस्टोन की जो बिल्डिंग्स बनी हुई है वो डैमेज हो जाती हैं, क्रॉप्स डैमेज हो जाती हैं, जो लेक्स का रिवर्स का पानी है वो एसिडिक हो जाता है, तो मरीन लाइफ अफेक्ट होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं डैमेजेस लाइमस्टोन बिल्डिंग्स, क्योंकि लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट और एसिड जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। Secondly, makes river water acidic, which kills fishes. और क्या हो सकता है? Makes agricultural soil acidic.
ठीक है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर है वो अफेक्ट होता है, विच अफेक्ट्स क्रॉप्स। तो कोई भी दो लिख देना। चले आगे बढ़े। क्वेश्चन थ्री में क्वेश्चन इज अबाउट मॉलिक्यूल विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। C4H8 इज ब्यूटीन। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ अ पेयर ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स विद द फॉर्मूला C4H8। देखो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है चेन आइसोमेरिज्म, जिसमें आप चेन जैसे ब्यूटीन है तो एक ब्यूटीन ये हो सकता है और दूसरा ब्यूटीन ये हो सकता है कि आप तीन कार्बन और एक ब्रांच में ले आओ। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म भी आती है और दूसरी आती है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म में बेसिकली फंक्शनल ग्रुप की पोजिशन आगे पीछे हो रही होती है। जैसे पहला ब्यूटीन ये बन गया और दूसरा ब्यूटीन जो बनेगा उसमें डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में रख दो और पहले ब्यूटीन में फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में रख दो। ठीक है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, सिमिलरली 3 1 1 3। अगर मैं आपसे नेम पूछूं इनके तो पहले वाले का नाम क्या होगा? पूछा नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। दिस इज ब्यूट 1 ईन। दूसरे वाले का नाम क्या होगा? दिस इज ब्यूट 2 ईन। ये पोजिशनल आइसोमर है जिसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई है। सही है। इसी तरह एक और स्ट्रक्चर आइसोमर होता है, वो क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जिसमें फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इसने देखो आगे चेन आइसोमेरिज्म पूछी है। Give the structures of a pair of chain isomerism with the formula C4H8 that do not exhibit stereo isomerism. देखो chain isomerism. Sir, stereo isomerism बता सकते हैं दोबारा क्या होती है? Cis trans optical isomerism, जब इस शुरू में chiral carbon की नहीं बनाई थी, वो optical isomerism होती है, वो भी stereo होती है और cis trans भी stereo होती है। Cis trans जो होती है वो alkene में होती है। ठीक है, ओके। अच्छा, चेन आइसोमेरिज्म इसकी कैसे बनाओगे? जिसमें आपकी जो कार्बन चेन है वो छोटी बड़ी हो जाएगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल तीन कार्बन चेन ये है ना, कह रहे गिव द स्ट्रक्चर्स ऑफ अ पेयर ऑफ चेन आइसोमेरिज्म। तो एक तो आप स्ट्रेट चेन बना दोगे और एक ब्रांच चेन बना दोगे। स्ट्रेट चेन तो आपने ऊपर भी बनाई है, जैसे ये हो गई। अभी दोबारा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई दिखाओ करके चेन आइसोमेरिज्म पेयर बनाओ। और दूसरी ये हो जाएगी जिसमें आपने एक कार्बन जो है वो ब्रांच में लगा दिया। इसका मैं अगर आपसे नाम पूछूं तो पहले वाले का नाम तो ब्यूट वनीन है, वही है जो ऊपर बना है। दूसरे वाले का नाम क्या होगा? इसकी अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3, तो दिस इज 2-methyl प्रॉप 1-ene, राइट? Yes, sir. फिर क्या रहा है? अच्छा, इसमें साथ में से ये भी कहा था कि that do not exhibit stereo isomerism, मतलब cis trans ना कर सके। तो cis trans करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि every double bonded carbon atom must have different things attached to it. अगर मैं इस पहले डबल बॉन्डेड कार्बन एटम की बात करूं तो इसके ऊपर दोनों हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, तो डिफरेंट चीजें तो नहीं लगी हुई है, तो ये भी नहीं कर सकता cis trans और इसी तरह दूसरा वाला भी नहीं कर सकता। अब वो कह रहा है कि स्टीरियो आइसोमर बनाओ ब्यूटीन के। अब वो कैसे बनाओगे? स्टीरियो आइसोमर बनाने के लिए भाई देखो चार कार्बन बनाना है ना, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, दोनों कार्बन पे आप जो है वो डिफरेंट चीजें अटैच करोगे। मतलब जैसे राइट वाला डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर आपने हाइड्रोजन लगाया तो दूसरा पे CH3 लगाना, और लेफ्ट वाले डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे भी दोनों डिफरेंट चीजें, मतलब हाइड्रोजन और CH3। इसी तरह इसका जो आपका ट्रांस वर्जन हो जाएगा इसमें आप भी एक ऊपर नीचे करके लिख दो बस। बेसिकली ये जो है ना, ये स्ट्रेट चेन ही है ब्यूटीन,
ये जो आपका क्या कहते हैं, मतलब ब्यूटीन का मैंने ये वाला आइसोमर बनाया हुआ है ब्यूटुइन। ब्यूटुइन में ये दो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम जो है ना, इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ CH3 लगा हुआ है, CH3 और हाइड्रोजन। इसको हमने बस थोड़ा सा यूं करके बना दिया, हाइड्रोजन अलग क्रॉस में CH3 एंड हाइड्रोजन, तो ये है ब्यूटुइन दोनों के दोनों। सर जी, सर ये 2-methyl propanine को समझ आते हैं कैसे आया, लेकिन प्रोपानीन कैसे लिखा आपने इसे, मतलब प्रोपानीन क्या है? स्टेट चेन में 3 कार्बन एटम है ना, तो प्रोपीन हो जाएगा ना वो, तो वनीन, मतलब डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है ना, वनीन। अगर प्रोपीन भी लिख दो तो चल जाएगा। ओके अच्छा, इनमें से जो मैंने ब्यूटुइन बनाया है, इसमें से जो पहला वाला है उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन और CH3 साथ है ना, जिसमें वो आमने सामने होते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिस, जो सिस ब्यूटुइन है। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दिस इज ट्रांस ब्यूटुइन। अच्छा डी में कह रहा है, द स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ए C4AZ इज शोन, डॉट द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ मॉलिक्यूल ए इन बॉक्स बी, एक्सप्लेन हाउ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी कुड बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द केमिकल टेस्ट। देखो ये जो इसने बनाया है ना ए, ये भी देखो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4AZ है, ये ब्यूटीन का ही जैसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बस फर्क क्या है कि इसमें क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कोई नहीं है, मतलब ब्यूटीन का ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, जिसमें हमने इसको साइक्लोब्यूटेन बना दिया। तो ये ए जो बनाया है इसने बेसिकली ब्यूटीन का ही आइसोमर बनाया है, लेकिन ए एल्कीन नहीं रहा, वो साइक्लोब्यूटेन है, इसको हम साइक्लोब्यूटेन कहेंगे। लेकिन क्योंकि मॉलिक्यूलर आइसोमर इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है ना, मतलब जो किसका आइसोमर बनाया है ब्यूटीन का ही बनाया है, तब कोई सा भी ब्यूटीन बना दो, ब्यूटवनीन बना दो, बी में या ब्यूटीन बना दो। वो ये कह रहा है कि जो ए हमने बनाया है वो किसका आइसोमर है, तो बी बताओ वो क्या है। सही है, और टेस्टिंग क्या होगी, देखो अब दूसरा वाला तो एल्कीन है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो मैं ब्रोमीन वाटर से टेस्ट कर सकता हूँ, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। तो अगर ब्रोमीन डीकलराइज हो रहा है तो मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एड ब्रोमीन टू बोथ एंड इट विल, सर इफ इट्स एल्केन देन इट विल रिमेन रेडिश ब्राउन राइट, यस इट विल डीकलराइज विद बी एंड बस इतना ही लिख दो, एंड ए के साथ इट विल स्टे सेम। अब बी के साथ आपने डीकलराइज लिख दिया तो इट मींस के ए के साथ विल स्टे सेम। क्लियर है, आगे बढ़े। For my career, the following compounds were all found to be components of a sample of petrol. Give the molecular formula of compound. Sir, one second. Last question. पूरा दिखा सकते हैं, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पूरा तो एक साथ नहीं आएगा, बहुत लंबा क्वेश्चन समझ। 100 रुपए का है। अच्छा इस ऊपर वाला क्वेश्चन भी दिखा दें, मैं उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। मरियम बाद में ले लेना यार, टाइम जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अभी। The following compounds are all found to be the components of a sample of petrol. Give the molecular formula of compound G. ठीक है, आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है, जो G तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, CH3 है, बीच में दो CH2 है इसके साथ, और फिर एक CH3 है।
तो आपने सिर्फ काउंट करके बताना है, कार्बन जो है वो 4 है, हाइड्रोजन जो है वो 10 है, ब्यूटेन बनता है। इफ द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एच, तो इसमें आप सारे कार्बन काउंट करो एच के, और फिर सारे हाइड्रोजन काउंट करो और उनका सिंपलेस्ट रेशियो ले लो। आई थिंक ये तो कर सकते हो ना, पार्ट टू का। ड्रॉ द स्केलेटल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड जे, कंपाउंड जे का आपने स्केलेटल फॉर्मूला बनाना है। तो मैं इस कार्बन से स्टार्ट करूंगा, ये 1, 2, 3 और ये 4, 1, 2, 3 और ये 4, तो ये बन गया 1, 2, 3, 4। अच्छा, जो थर्ड ये हो गया 1, ये मैं नंबर सिर्फ लिख रहा हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो बाद में बता देना। देखो आप पहले एच के टोटल नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन काउंट करके बताओ मुझे। अच्छा, जो थर्ड कार्बन है इस पे एक CH3 जो आ रहा है ना, वो मैंने बना दिया, इस पे एक OH भी आ रहा है, तो OH हमें दिखाना पड़ता है स्केलेटल फॉर्मूला में। इसी तरह सेकंड कार्बन पे भी एक ब्रांच आ रही है CH3 की, ये इसका स्केलेटल फॉर्मूला है बेसिकली। अगर हम OH4 पे लगा लें तो OH4 पे लगा हुआ नहीं है ना, थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है। अच्छा, ओके, अगर मैंने इसको 1 बोला है, इसको 2, 3, तो फोर्थ कार्बन पे OH नहीं लगा हुआ है, थर्ड पे लगा हुआ है। जी मरियम, एच का कितने कार्बन है एच पे? 3, 8 तो नहीं है? 4, 5, 6, 7, 8 और हाइड्रोजन कितने? 9, 10, 11, 12 और 12 + 6 = 18, C8H18। अब इस दोनों में सिंपलेस्ट रेशियो क्या है? 4 से दोनों 4 के टेबल में 18 नहीं आता है ना, 4 के टेबल में नहीं, 2 के टेबल में दोनों आते हैं ना, 2 और 8, 8 और 18, तो C4H9, ये सिंपलेस्ट रेशियो बनेगा। राइट एन इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ कंपाउंड एच, कंपाउंड एच ऑक्टेन बना है C8H18, कंबशन करेंगे इसकी ऑक्सीजन के साथ, तो इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे 8 कार्बन है तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 8 हो जाएगा, हाइड्रोजन 18 है तो 9 मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन हो जाएंगे 25, तो यहाँ पे फिर हम 25/2 या इसको 12.5 लिखते हैं। ठीक है, कंबशन इक्वेशन बैलेंस करना आसान सी बात है। नेक्स्ट कह रहा है, फॉसिल फ्यूल्स आर ऑफन कंटामिनेटेड विद सल्फर, स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाई सप्लाईज ऑफ फॉसिल फ्यूल दैट कंटेन सल्फर पोज अ प्रॉब्लम टू द एनवायरनमेंट। तो अगर फ्यूल में सल्फर होगा, जब आप उसको जलाओगे, अभी अभी हमने देखा है कि सल्फर जब बर्न होगा ऑक्सीजन में तो वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेगी। ठीक है, ये अभी हमने देखे हैं सारे रिएक्शन, और जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगी फिर वो वाटर में डिजोल्व होके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एसिड ड्रेन हो जाएगी, और जब एसिड ड्रेन होगी तो वो जी। सर, हमें इस क्वेश्चन में इक्वेशन डालना जरूरी है इस दो मार्क के क्वेश्चन? नहीं, इस क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं डालनी है, इसमें आपने से बताना है, मैं रिकॉल करवा रहा हूँ कि क्या था, आपने से ये बताना है सल्फर डाइऑक्साइड फ्यूल कंटेनिंग सल्फर कंटेंट विल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड ऑन कंबस्टन व्हिच इज द कॉज ऑफ एसिड ड्रेन। ठीक है, पार्ट डी में कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कंपाउंड जी एच एन जे आर शोन, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ 3 कंपाउंड्स। अब जो जी एच एन जे थे ऊपर वाले, ये थे ये वाले जो हमारे कंपाउंड्स थे ना, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में ऑब्वियसली डिफरेंस है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर मास में भी डिफरेंस है, इनके क्या कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस में भी डिफरेंस होगा, मतलब इनके क्योंकि मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस है इसलिए भी इनकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स में डिफरेंस है। दूसरी बात, जो हमारा कंपाउंड जे है उसमें OH है, और OH इज केपेबल ऑफ डूइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जे का सबसे ज्यादा हाईएस्ट होना चाहिए, जो कि है चाहिए। अच्छा, ये जी का ना ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो हो भी सकता है, हाँ जी का जीरो ही है, ठीक है, ब्यूटेन है ना। जे का दोबारा बताएं क्यों जा रहा है सबसे?
हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना इसमें OH है। ओके 4 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। देखो इसमें आपको ये समझाना है, देखो सब में वैन डर वाल फोर्सेस तो कॉमन है, जी और एच में सिर्फ वैन डर वाल फोर्सेस है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन चेन है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जी एंड एच हैज ओनली वैन डर वाल फोर्सेस between the molecules, but in H van der Waal forces are stronger as van der Waal forces too stronger होंगी क्योंकि it has more number of electrons, number of atoms ज्यादा है ना, as it has greater number of atoms, hence greater number of electrons. So more energy is required to break intermolecular forces between molecules of G, whereas in J molecules have hydrogen bonding sir, because hydrogen is stronger than van der Waal forces, right? In fact it is the strongest type of intermolecular force na, which is the strongest type of intermolecular force, hence J has the highest boiling point. Yes, sir. मरियम स्क्रीनशॉट लिया इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आंसर रिपीट होता है, एक ही चीज है। वैन डर वाल्स फोर्सेस की जगह टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल लिख सकते हैं, बिल्कुल आप वैन डर वाल्स की जगह इंटरमोलिकुलर फोर्स भी लिख सकते हो, नाम लिख दोगे वैन डर वाल्स तो ज्यादा अच्छी बात है, इंटरमोलिकुलर फोर्स भी लिख सकते हैं, टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल भी लिख सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम वैन डर वाल्स ही लिख रहे होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कंपाउंड जे कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम 2-chloro-3-methyl-butane, गिव द रीजंस एंड कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, जे जो है वो हमारा क्या, देखो 2-chloro-3-methyl-butane को पहले बनाओ, होगा क्या, अब ब्यूटेन लिखा हुआ है ना आखिर में, मतलब लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन एटम है, 2-chloro मतलब सेकंड कार्बन पे क्लोरीन है और 3-methyl मतलब थर्ड कार्बन पे CH3 है, ठीक है, और 2-chloro-3-methyl-butane कह रहा है गिव द रीजन एंड कंडीशन नेसेसरी दिस रिएक्शन। अब इस चेंज क्या हुआ है, इस ना ये बना है इसमें सब कुछ वैसा ही है, बस ये जो 1-2 थर्ड कार्बन है 1-2-3-4 तो सेकंड कार्बन पे से क्लोरीन गायब है। हेलो जी, और आवाज नहीं आई आपकी ना सर, ये हेलोजन बन गया ना, क्लोरीन इज बीइंग एडेड एंड ओएच इज बीइंग रिमूव्ड। कंपाउंड जे कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, मतलब ये जो हमें दिया हुआ है ना 2-chloro-3-methyl-butane, इससे कंपाउंड जे को बनाया है, ये बोल रहे हैं। जी अच्छा जी अच्छा, नंबरिंग इसकी ना इस तरह से करो, देखो हमारे पास इसकी नंबरिंग हम ऐसे करेंगे
के OH जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है इस पे, अरे OH जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है इस पे स्मॉलेस्ट नंबर है. मतलब बेसिकली इफ वी स्टार्ट नंबरिंग इट ना, तो दिस शुड CH, दिस शुड बी फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन. फंक्शनल ग्रुप पे छोटा नंबर लाना होता है ना, सेकंड कार्बन पे OH लगा हुआ है, सेकेंडरी अल्कोहल है ये. तो टू, अब जो इसने हमें नाम दिया हुआ है ना, दिस इज 1, 2, 3, 4, तो इसकी भी हम राइट टू लेफ्ट नंबरिंग अगर देखें तो 2 क्लोरो मतलब सेकंड कार्बन पे देयर शुड बी क्लोरीन एंड थर्ड कार्बन पे देयर शुड बी मिथाइल CH3. तो जब इसका, जब हम Cl नेगेटिव आयन हटाएंगे और उसको OH से रिप्लेस कर देंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ पे Cl की जगह OH अगर लगा दो like this, तो ये चीज J बन जाएगी. इसने J में बस इतना फर्क किया हुआ है कि ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. तो सेकंड कार्बन पे जो CH3 है ना, उसने देखो उसको ऊपर करके लिख दिया, जो OH हमने नीचे लिखा उसने उसको ऊपर करके लिख दिया, CH3 की जगह पे लिख दिया. सही है? Yes, sir. तो ये काम किससे करोगे, हैलोजन को हटा के आप OH कैसे लगाओगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. अब ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो हमने जो है ना यहाँ से हटाया, तो हम लोग क्या एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे ना, हीट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है जी, क्वेश्चन 5 कह रहा है, हेप्टेन इज एन अनडिजायरेबल कंपोनेंट ऑफ पेट्रोल एज इट बर्न्स एक्सप्लोसिवली कॉजिंग नॉकिंग इन एन इंजन. देयर आर 9 स्ट्रक्चर आइसोमर्स विद द फॉर्मूला C7H16. 9 स्ट्रक्चर आइसोमर्स में मतलब चेन आइसोमेरिज्म भी आ जाएगी, फंक्शनल ग्रुप भी आ जाएगी, पोजीशन भी आ जाएगी. पोजिशनल आइसोमेरिज्म तो एल्केन में नहीं आ रही होती है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजिशन शिफ्ट करने की गुंजाइश नहीं होती है. लेकिन इसमें फिर स्ट्रक्चर आइसोमर के साथ स्टीरियो भी बनते हैं, कायरल कार्बन भी स्टार्ट हो जाता है हेप्टेन से बनना. अच्छा, ओनली टू ऑफ विच कंटेन कायरल सेंटर्स, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म स्ट्रक्चर आइसोमर्स एंड कायरल. तो स्ट्रक्चर आइसोमर क्या होता है, जिसमें हमारे पास कंपाउंड में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं. कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. अच्छा, कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन इज अ कार्बन विच हैज 4 बॉन्ड्स एंड every bond has different atoms or group of atoms attached to it. ठीक है, chiral chiral carbon, chiral carbon is a carbon with 4 single bonds and every bond has 4 different atoms or group of atoms attached to it. ठीक है, गिव द नेम्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ 2 स्ट्रक्चर आइसोमर्स C7H16. हेप्टेन के 2 स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाने विद द कायरल सेंटर. देखो कायरल सेंटर हेप्टेन होता है 7 कार्बन, 3, 4, 5, 6, 7. इसमें से कायरल कार्बन कौन सा बन सकता है, जैसे अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इधर C2H5 होगा, इधर एक
चीज अलग अटैच्ड है। अच्छा, इसमें अगर मैं तीन कार्बन एक जगह पे कर दूं इधर और एक CH3 यहाँ कर दूं और इसके साथ एक हाइड्रोजन, तो देखो चार जिस कार्बन पे मैंने स्टेरिक लगाया है, इस कार्बन के चार सिंगल बॉन्ड्स है और चारों डिफरेंट चीजें अटैच्ड हैं इसके साथ, तो एक तो ये बन सकता है। इसका नाम क्या होगा अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं, तो डेट वुड बी, यहाँ से नंबरिंग करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो दिस इज 3 मिथाइल और स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है 6, तो 3 मिथाइल हेक्सेन। इसके अलावा हेप्टेन का एक और स्ट्रक्चर आइसोमर बनाओ जिसमें आपके पास कायरल कार्बन हो, मतलब ऐसा कार्बन जिसके साथ चार डिफरेंट चीजें अटैच्ड हो। जब अगर मैंने इसी तरह से बनाने की कोशिश करें ना, एक मैं CH3 लगा दूं और एक C2H5 लगा दो। अगर C3H7 लगा दें तो नहीं, 3, 4, 5, 6, 7, तो वही हो गया ना ये जो बना लिया हमने। इसके अलावा ऐसे हो सकता है कि स्ट्रेट चेन में ब्रांचेस दो तरह की कर दो, एक ब्रांच यहाँ कर दें और लेट्स से एक ब्रांच यहाँ कर दें, जिससे CH3 टोटल 7 कार्बन लगाने हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक यहाँ लगा दो, CH3, CH2, CH और यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये भी एक कायरल कार्बन बन रहा है। नहीं, इधर फिर CH3 करते हैं। देखो ये एक पूरी डिफरेंट चीज है, इसमें ब्रांच भी है, CH3 एक डिफरेंट चीज है। जो लेफ्ट पे है ना, इधर C2H5 लगा देते हैं, मतलब एक CH2 और CH3, ये एक पूरी डिफरेंट चीज है, ये एक कायरल कार्बन बन गया। इसका नाम क्या होगा, इसमें दो ब्रांचेस आ रही हैं, अगर मैं इसकी नंबरिंग स्टार्ट करूं तो दिस इज 1, 1st कार्बन, 2nd, 3rd, 4th, 5th, दिस इज 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, तो एक साथ लिख देते हैं 2,3-dimethylpentane। सही है भाई, आवाज जवेरिया मरियम मुईज आवाज से। मुईज आपकी यात्रावी कितने बजे स्टार्ट हो रही है? सर 8:10 पे होती है। 8:10 पे, मतलब अभी टाइम है ना, एक घंटा और है, मतलब ये टाइम सेट है हमारे लिए, रमजान में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी ना? नहीं सर। Write an equation for the complete combustion of heptane. तो ये आप लिख लेना भाई, heptane का formula तुम्हें पता है। Write an equation for the incomplete combustion of heptane leading to the production of solid pollutant. तो incomplete combustion में carbon monoxide भी बनता है, unburned carbon भी बनता है। वो कह रहा है कि solid pollutant, तो solid pollutant unburned carbon होगा। मतलब अगर मैं heptane की combustion करूं, it will lead to carbon dioxide. लेकिन वो कह रहा है carbon solid, सॉलिड पोल्यूटेंट कह रहे तो कार्बन होता है और दूसरा पोल्यूटेंट कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इसको बैलेंस करने के लिए तो यहाँ पे 7 लगाना पड़ेगा कार्बन के साथ और 16 है ना हाइड्रोजन, तो 18 यहाँ लगाना पड़ेगा, बाकी 8 है तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन। अच्छा, इनकम्प्लीट कम्बशन कैन ऑल्सो लीड टू इमिजन ऑफ अनबर्न हाइड्रोकार्बन, स्टेट वन एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस। अनबर्न हाइड्रोकार्बन मतलब जो फ्यूल आपने डाला है ना, वो फ्यूल ही पूरा का पूरा खुद ही बाहर आ जाएगा, मतलब बर्न ही नहीं हो रहा वो उसमें। ये भी देखो, इनकम्प्लीट कम्बशन में कार्बन मोनोऑक्साइड भी आता है, कार्बन सॉलिड भी आता है और अनबर्न फ्यूल भी बाहर आ जाता है।
उससे ऑब्वियसली जब एल्केन मॉलिक्यूल एयर में होंगे तो वो ग्लोबल वार्मिंग कराते हैं. स्मॉग सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्मॉग है जो लाहौर में भी अक्सर होने लग गया है ना. एयर में जब स्मोक मिल जाता है या इस तरह के एल्केन पार्टिकल मिल जाते हैं तो स्मॉग एंड ग्लोबल वार्मिंग. अच्छा जी, सी कह रहा है द रिएक्शन ऑफ हेप्टेन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट प्रोड्यूसेस अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स. ऑब्वियसली डिफरेंट आइसोमर्स बनेंगे, क्लोरीन एक भी लग सकता है, दो भी लग सकता है. अभी यहाँ पे क्लोरोहेप्टेन इसने दिखाया हुआ है. नेम द मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन. तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म सबको पता ही है ये. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है. डिस्क्राइब दिस मैकेनिज्म यूजिंग अ सूटेबल इक्वेशन एंड इंक्लूडिंग द नेम्स ऑफ ईच स्टेज इन दिस प्रोसेस. अब ये 5 मार्क्स के लिए, देखो ये कहाँ से स्टार्ट करोगे. सबसे पहले तो आपने पढ़ा होता है इनिशिएशन स्टेप. इनिशिएशन स्टेप से ये काम स्टार्ट करोगे जिसमें क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है अंडर द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट ब्रेक डाउन हो जाता है टू फॉर्म क्लोरीन फ्री रेडिकल. तो दीज आर क्लोरीन, वो कह रहे हैं ना नाम भी बताओ साथ साथ. दीज आर क्लोरीन फ्री रेडिकल्स. अच्छा फिर क्या होगा, प्रोपेगेशन. प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होगा, हमारे पास हेप्टेन है जिसे C7H16 क्लोरीन फ्री रेडिकल आएगा इसके पास. एक हाइड्रोजन को ब्रेक करेगा, 15 हाइड्रोजन हो जाएंगे, एक यहाँ रेडिकल बन जाएगा और साथ में HCl. और फिर ये जो रेडिकल बना है हमारा C7, अच्छा इसके नाम अभी हम देखते हैं. ये जो हमारा बना है ना C7H15, ये क्या करेगा, ये फिर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल में से एक क्लोरीन को ब्रेक करेगा, अपने साथ एक क्लोरीन को लगाएगा, इट विल जनरेट बना दर क्लोरीन फ्री रेडिकल. और अब हमें ना टर्मिनेशन स्टेप भी दिखाना है. अच्छा ना, उसने साथ में ये कहा है ना कि सुटेबल इक्वेशन इंक्लूडिंग द नेम फॉर ईच स्टेज इन दिस प्रोसेस. तो इनिशिएशन हो गया, प्रोपेगेशन हो गया, फिर तीसरा क्या बचा, टर्मिनेशन. अच्छा टर्मिनेशन में हमारे पास देखो, टर्मिनेशन में हम कोई भी स्टेप दिखा सकते हैं. टर्मिनेशन में तो बहुत सारे पॉसिबल होते हैं, लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना C7H15Cl, इसकी टर्मिनेशन स्टेप ये हो सकता है जैसे C7H15 बना था और एक कोई दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल उसके सामने आ गया था, ये दोनों आपस में जुड़ के ही C7H15Cl ये डायरेक्ट भी बना सकते हैं. जरूरी नहीं है कि C7H15 रेडिकल जाएगा क्लोरीन मॉलिक्यूल को ब्रेक ही करेगा, उसका आमना सामना अगर किसी और रेडिकल से हो जाएगा क्लोरीन फ्री रेडिकल से, तो वो लोग आपस में बॉन्ड बना लेंगे, वो क्यों जाएगा क्लोरीन मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा. ठीक है जवेरिया, टर्मिनेशन स्टेप के कर्ली एरोस, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम कोई एरोस नहीं बनाते, वो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बनाते हैं कर्ली एरोस. सही है सर. स्पेसिमेन का एक क्वेश्चन था जो 2024 के लिए स्पेसिमेन था, उसके अंदर उसने ये टर्मिनेशन का बनाया हुआ था. मुझे दिखा दो मैंने अभी देखा नहीं है वो, अगर मुझे आप सेंड कर दो मैं देख लेता हूं. चलो मैं देख के बता देता हूँ. इसमें कोई एरो बनाने की जरूरत नहीं होती है वैसे. हाँ इनिशिएशन में एरो बन सकता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है तो वो हमें पता है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली डिवाइड होता है, तो उसका एक एरो ऐसे बना सकते हो. लेकिन टर्मिनेशन में तो कोई फिलहाल हम नहीं बनाते. आप दिखा देना क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं. ठीक है जी, चलो ओके, जा सकते हो आप लोग अभी. अल्लाह हाफिज़.